से बोले ना जंगल च। पहलू तू तो खत्म को ये नांगा कुकड़ क्यों करने खटान भूण गुस्से में। अब मुझे कूड़ियां डालते हैं ऐसे पौंडे डोलियां। लाइक शेयर सब्सक्राइब। शाबाश फंटास्टिक। अच्छा आगे जाके देखो इधर रिजल्ट ठीक आ रहा है जी। बाद में कुछ चिटा चिटा सा आ जाता है ना। ठीक है अस्सलाम वालेकुम। तो फिर खैर खरीये थी ऐ माइक उन्हें थल आया। पिछले ब्लॉग में मैंने इधर लगाया मैंने बल्कि इधर लगाया था तो काफ़ी मॉम कह रही थी कि भाई जान इधर लगाते हैं। तो मुझे ये ज़रा डेल सी थी कि वो ना उसका गला टाइट था तो ये जब इधर गले के साथ लगता है तो ऐसे ना करे खस खस, तो इसलिए मैंने इधर लगाया था। आज दरअसल बात ऐसी है कि गल ऐसी है कि आज जिस वे ना नया साल शुरू हुआ तो आज तक है कि ना मतला ज़रा साफ आ, वरना जनवरी जून शुरू हुआ तो उसने मगरब। ये हमारे भाई जान आए हुए हैं हमारे कज़न अहमद। क्या हाल है? खैर खरीये थी? आपका भी तारुफ कराता अभी पर आप ज़रा तावले हो गए। मैं अभी बता रहा था कि धुंध के बारे में बता लूँ। ओके जनवरी जून स्टार्ट हुआ था धुंध। मैं नठा गछाँ शहर का देखते ब्याह पिछा छोड़ने करा इधर करा उधर इसे नस भज रहा इसलिए धुंध एडी कोई नहीं। ते यू कज़न भी आए हुए मैं है तुसें कि यह मोल माशरा भी दसी कि ना कि आपू जो सब कुछ बड़ा चंगा लगना पाया। पहलू तुंद खत्म पहलू तुंद ही कोई ना खत्म है ते आज ये सब कुछ आपू बड़ा चंगा लगना पाया। अहमद भाई अबरू आए हुए अहमद भाई तो मैं है कि ना तुसा लिए गल शोगल मेला शेयर करी कि नहीं है तो बताएं आपको कैसा लगे। सबसे पहले आपको जो मैंने अपने ब्रांड वाले शूज़ दिखाए हैं वो कैसे लगे हैं? बिल्कुल अच्छे लगे हैं। और आपने ये भी बताया कि कहाँ से लिए हैं। माइक बंद है। बिल्कुल अच्छे हैं। ये देखें ये जिस जिधर ये निशान होते हैं ना ये क्या होते हैं ब्रांड के। इसका ब्रांड का नाम है लुंडीजा ब्रांड जी। ये एक एक्स्ट्रा इसके अंदर एक्स्ट्रा बटन भी है इसको एक्स्ट्रा स्पीड भी कहते हैं। हाँ वेरी गुड। वो लगा गल इसमें माइक नहीं चलना पे क्योंकि उसने चार्जिंग कोई नहीं पर आगे खुश किया ए जगह साफ की तखो हसीन नज़ारा दुआ उतर गया। ये भाई जान आप आज इधर ही हैं तो आप क्या कहते हैं कि उधर चलें उधर कस की तरफ चलें या जंगल च? जंगल किधर? जंगल में। नहीं नहीं मेरा जो स्टाइल है उसमें बोलें। नहीं हम जंगल में चलते हैं बहुत अच्छा व्यू आएगा। ऐसे बोले ना जंगल च। जंगल में चलते हैं बड़ा अच्छा। नहीं इधर गले से जंगल च। जंगल हट ना आए बाबा। हेलो अहमद क्या नाल व्लॉग मैं है बनाइया दोए गठे अहमद ने बाबा बैठे हुए तो ये बड़े सारे गठे हो सन गप्पां शप्पां कर सन मिगी अज सा शहर दे कम पर ये सारे फिर आ रहे मैं है कि अज नहीं गछना गैसा कल क्योंकि अजकल सच्ची बात है कि आपने कोटा वाला गांव छोड़ दिया है। कोटा वाला घर? हां जी। हां यार वो छोड़ दिया है। क्यों? सपना टू आपको कैसे पता लगा? वैसे मैं देखा था छोड़ दिया। वो यार बस छोड़ना पड़ गया। अब यह कि इंशाल्लाह कोशिश है कि वो दोबारा लेंगे। आप कुछ और पूछना चाहेंगे? नहीं ये मेरे व्यूज भी देख रहे हैं तो ये आप कब लेंगे? इंशाल्लाह जल्दी जिसे मैं लखों करोड़ों का मास हूँ। बस सही हो गया। सही हो गया आपके यही सवाल थे जी। ओके आए अगर जहन में कोई और सवाल है चलते फिरते आ रहे जहन में कोई सवाल तो कर सकते हैं। अभी तक फिलहाल कोई नहीं आया आएगा तो कर लूँगा। ठीक है डॉगी इधर आओ आओ बताऊं। नहीं नहीं बंद है वो देखो वो अंदर सोया हुआ है। हाँ सही है। तो आओ नहीं इधर बाहर। कैसे हैं तीतर्स मेरे तीतर्स प्यारे हैं तीतर्स? बहुत कर मुर्गे वगैरह पाले हुए जी। और बकरियां बकरोटे हर कुछ। ये नांगा कुकड़ पसंद है आपको? थोड़ा सा बेहतर है। हम तो डूबे सन हम तुमको बिल्ली डूबेंगे इसकी भी आस्ते आस्ते खैर शौक पे ही ऐसी। ये वैसे आपको शौक है इस चीज़ का? जी बस थोड़ा सा शौक है। अच्छा मैं तो क्या कि निकिया च कॉन्फिडेंस कितना आप मैं इस ऊपर इसको था ये चीज़ें अपनी सन मतलब कैमरे ने सामने बोलिया उसी तो मैं आने जैसे कैमरा वगैरह ऑन किया तो नाल नाल बोलना पाया असं जैसे निकिया कोई इं शारा ही करी छोड़ा तो असं मिल्क छोड़ी किसने से क्यों करने खटान बुन बड़ी बात है यार। पढ़ते किस स्कूल में हो? जी मैं बीकन हाउसिंगा पढ़ता हूँ। हाँ उतने बच्चे असने थे
ग्रेजुएशन वाले खंगन नहीं देने दे। हाँ फिर ठीक है। हम पैर से देख लेंगे, कोई मसला परेशानी टेंशन नहीं है। उसका नाम था नागा, क्या नाम था उसका? नागा। ये थोड़ा लंजीज है। अंदर चलें? नहीं। चलें। बहुत विशर्म सा कुत्ता नहीं है ये? क्या नहीं बताया? मैंने लोगों को ये बताया हुआ, ये बहुत बेशर्म सा कुत्ता है, बहुत बेशर्म लांजी किस्म का कुत्ता है। मेरे हाथ से खाना खा गए तो बाद में ये है कि मुझ पे भौंकने लग गए। इसे थोड़े पास चले जाते, ये दरेड़ के शुक्रिया अदा करता। ये बहुत वैसी किस्म का और बेशर्म किस्म का कुत्ता है। अच्छा बाकी ये है कि उधर आपको मैंने सुना है बीकन में वो ये उर्दू तो इंग्लिश बोलते हैं, मतलब इंग्लिश बोलते हैं? इंग्लिश नहीं बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं। कभी कभी जब टीचर पढ़ाती हो तो फिर इंग्लिश बोल देते हैं, जैसे तो हम देसी बोलते हैं ना। अच्छा क्या है माड़ा ही करना ना। तो बाकी बात ये है कि काफ़ी वो हम कहती रहती है ओ इंग्लिश बोल रहे हैं, बीकन स्कूल है ना बच्चे, ये देखें ये बीकन स्कूल के, और ये कहते हैं हम कभी कभी बोलते हैं, हर टाइम नहीं बोलते, ऐसी बात है ना? हाँ जी। गुड। ये फूल अच्छे तो होते हैं लेकिन खुशबूदार नहीं होते। खुशबूदार नहीं होते? नहीं, ये जब खुशबूदार हो तो मधुमक्खियाँ ना आके बैठे। मधुमक्खियाँ? हाँ जी। वाह जी वाह, नाल तो कोई तुम्हें दसना पे ब्लॉगिंग कर, मैं इसे खाना पे हूँ। अरे कैसा लग रहा है आपको ब्लॉगिंग करके? अच्छा लग रहा है। आपकी वजह से मैं भी थोड़ा सा खुल के बोल रहा हूँ, वरना ऐसे अबा मुझे कूड़ियाँ डालते हैं ऐसे ऐसे कि ये क्या कर रहे हैं। इधर चलें बाड़ियों में। आए ऐ वाम जड़ा, मैं तुम्हें दसाया था कि मैं पहले इसकी कितनी बार इस जगह खुनया खूनी, फिर आया कि मैं डिफरेंट तरीके ने इतने बीज लाए इतने सब्जियां ने। हूँ दिखो तो सामने आ कि अब इधर क्या कुछ लगा हुआ है। ये ऐ जनानियां दिहाड़ सारी यूट्यूब उपर गजरेला बनाने ने, नित नए तरीके तखनियां रहनियां ते शामी उठी साग चढ़ी छोड़नी। याद है जिन्हें व्लाग माड़ा तखिया सा, मैं पहले इधरों खुणिया सा फिर उधरों खुणिया सा, शार्ट वीडियो भी अपलोडिया तो व्लाग दो अपलोड से। हूँ देखो माशाल्लाह हर किच तो उस पास लाया सा थूम, वो भी लगा ए भी लगा। क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? इस बारे में कुछ कहना तो नहीं चाहूँगा, खट्टी होगी मेरी तो। ये आपने बेइज्जती कर दी है मेरी तो। ये आपने मेरी बेइज्जती कर दी है। बहुत अच्छी बात है। जा चलें फिर ठीक है, टूरो फेरो माइक नहीं मिली। गल बड़ी अजीब जी लगनी कि जिसे आने में पिछले क्लिप में बोलिया तो खड़िक 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 पता नहीं क्या जो लगना रहा। दैट्स व्हाई आई यूज माइक ऑलवेज ऑन इधर। ये देखिए अभी अच्छी अच्छी बड़ी फसलें लगी थी, आज लोगों ने काट दी हैं, कितने बेशरम लोग हैं। नहीं काटी नहीं है, अभी ये जा रही हैं, अभी लग रही हैं। अच्छा ये पहले क्या हुआ था इनको जो खत्म हो गई थी? पहले जब ये पूरी तैयार हो गई थी उसके बाद हमने काटी हैं। क्यों? काट के हमने दाने खाए हैं, पहले काटी हैं। बड़ी बात है, आने रोटी ना दिया फिर तुसा की तो उन्हें दानों की रोटी खा रहे हैं आप। ओहो कहीं और से नहीं ले सकते? गलती है ये। आप क्या करेंगे कि जब ये बड़ी हो जाएंगी आप फिर इनको काटेंगे नहीं? ठीक है, ठीक है। हम कहेंगे अहमद भाई को बुरा लगता है। ठीक है, रोटी बनाने के लिए तो सारी काट लो फिर। ठीक है, और अहमद भाई है अभी फिफ्थ क्लास में। अहमद भाई कौन सी क्लास में? फाइव में। इधर आगे फिर कुत्ते हैं, लिहाजा वापस आ जाए, क्योंकि आप मुझे तरीकेंगे, मैं पतला सा हूँ, आपकी माशाल्लाह सेहत चंगी बनी है। हाय नागा नागा नागा। नागा उधर सामने एक वो है ना लूंबड़ी जो अभी भौंक रहा था, उसे बुला रहे हैं। खाने के लिए? नहीं खेलने के लिए, वो खेलते हैं फिर। इतनी खूबसूरत बकरियां ने अभी हम अहमद भाई को एक और घर विजिट कराते हैं, तो आप हमारे साथ रहिए।
क्या आप कहते हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं अहमद भाई? जी मैं इस जगह के बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, इतनी ब्यूटीफुल जगह है। बस इधर आप ये कहें कि उन कुत्ते बहुत रखे हुए हैं। हाँ, कुत्ते बहुत रखे हैं, कुत्ते कम होते हैं तो अच्छा व्यू आता है। कुत्ते केड़ा व्यू ने क्या खलते हुए याद, आज माड़ी उर्दू ठीक हो सी या अहमद भाई ने खराब? दरअसल अरसा हो गया ना, वो मैं बोला नहीं हूँ तो इसलिए, जैसे नहीं है कि वो कड़ीज सी आ जाती है उर्दू बोलो तो ऐसे। अहमद भाई ये देखें बच्ची कैसी है, पता नहीं बच्ची ना इधर सिर फ्लोड़ना, बड़ी प्यारी है। मैं इसके पास जाके मैं चेक करता हूँ कैसी होगी। जाएं चेक करें, ये तो लगते मारने वाली होगी है। नहीं कुछ कहती, अच्छा चलो अच्छा। ये देखें अहमद भाई मिट्टी के बर्तन, ये सब चढ़ी गई छा, ये खतरा था कि गिर ना जाए। लग तो यही रहा था कि आज जमीन भी देखें टूटी हुई है। ये आपने मिट्टी के बर्तन लेके जाएंगे, देखें कितना प्यारा इन बच्चों ने बनाया मिट्टी के बर्तन, लेके जाएंगे पौंडे डोलियां चूल्हा। हाँ ये केक है, ये देखें, ये देखें वो, ये देखें ये सोफा ठीक है, ये भी एक और हो गया, ये भी सोफा, ये भी चेयर, यहाँ पे तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है मुझे। ये पौंडे देख के जी लग रहा है कि कोई मैं ले चलूँ यहाँ से। ले लो, मैं ना तक बचपन ही ज़्यादा आ रही हूँ, असं भी सहते हैं बेही ये भांडे बगैर बनाने होने से, फिर गेम खेलने होने से कि इधर मिट्टी की नहीं, फिर उसने प्याला जो बनाई तो इं जमीन मारने से उपटाहा या बजना था, जितनी मिट्टी उसने अंदरों निकलती होनी सी इतने दुए बंद किन्ने से कि असं मिट्टी दे, फिर जिसने पहलू खत्म हुई है वह बंदा हारी गिछना सा। वाह जी वाह, पता नहीं उस गेम का नाम कैसा, बस इतना याद आने से पटाहे तो पटाहा पटाक कैसा लगे। मैं उधर शॉर्ट वीडियो बनाता रहूँ तो ये है कि अहमद भाई उधर फिर चुप रहे हैं, आप उधर फिर बोर तो नहीं हो गए? नहीं वो दरअसल आप वीडियो में आए थे इसलिए मैंने बोला कुछ नहीं। गुड, तो आप इसलिए मुझे ये व्यू इतना अच्छा लगा कि आपको क्या बताऊं। वाह जी वाह, सर्दियां सारू की तरफ आई हैं, मेरी तरफ कुछ ज़्यादा ही नेरी पड़ गई है, क्या इसकी क्या वजह है? क्योंकि सर्दी आपको पसंद करती हो। इस पे कर लूं, ये बीमार बंदा भी नहीं होगा। थोड़ा अभी टापे लग रही हैं। अबजा पेड़े में देना। अबजा खोलो ना, तो ये हमने देसी कुकड़ बनाया है मेहमानों के लिए। एक तो माँ को अच्छी खाली गए छो काम नहीं पीछा छोड़ने, रोटी पकाने से बाद जो खरंगारे बनने वो बही छुड़ने इस अंगेठी बिच ताकि कमरा रहे गर्म। हूँ मैं जुलाऊँ कुत्ता खोली जंगल लगा लगा तरक्के लले की थी ऐसे मसरूफियत के नवा लड़ी नवा मजर। कुत्ता खोली जंगल गल ऐसी है कि मैं तखना के अवाम ने कितने ब्याह आने इतने एक पार ग्रां मतलब के इन्हों नकियों सू पारे पास है ते अवाम आने में इतने जो ही ब्लाग शुरू करा लवा तखन भी आवाज़ा आईया मैं कुने तखा उधर जनानियां छन इधरों पैदल गए सन फिर उधर इस वे तक एक पहला नगा क्रॉस कर रही सन इधरों आगे तेरा शार्ट पैना बाकी उधरों सड़क पर गुछो गड्डी ने इंतजार करो उधर लंबा अवाम ने ब्याह नहीं मुकने। वैसे मैं पिछले साल तक है कि कोई बंदा नहीं रहा कि जिसना ब्याह ना हो वे माड़ी नज़र जिन्होंने ब्याह लेट से उन्होंने सारे ने हो गए सवाए माड़े। खैर अवाम मैं आखना कि अन्नी पाई भी सोशल मीडिया खोलो उत्थे भी जी करे कड़ा शावर तो करे कह तो करे कह नई नई रस्मां निकलती भी हैं नाले भी ट्रेंड आ रहा कि दूल्हा दुल्हन भी नचने दुल्हन ने साइड अलग तैयारी की होनी ने कि उन्हें नचना नाल दुल्हन भी दूल्हे वाली साइड अलग। वाह जी वाह, माड़े ख्याल चुना कि माड़े यार मेद कोई नहीं सी पर उन्होंने ब्याह हो ही गए तो उस खुशी नचने पे असन पास कोई नहीं कुड़ियाँ नचनिया ये चारियाँ आपू ही
ਘਟੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਪਰ ਵੀ ਡਾਂਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਚਾਰੀਆਂ ਆਪਣਾ ਲਹਿੰਗਾ ਤਰੀਕੀ ਤਰੀਕੀ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਲੋ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਈਆਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਆਲਕੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਜਾਤ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਵਾਸੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਸ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਣੇ ਕੇ ਕਹਿ ਗ੍ਰਾਹ ਕਰ ਸਣ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭੁੱਲੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੰਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਬਰਾਤ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਵਲੀਮਾ, ਆਪ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਰੋਲਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਸੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਇਤਨੇ ਆਏ ਕਿ ਮਿਕਸ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਗਿਆ। ਰੋਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸਾ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੂ ਗੱਛੀ ਉੱਥੇ ਸਿਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰੀ ਕਿੰਨਾ ਸਾ, ਥਿਆ ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੋਸਤੇ ਐਸਾ ਕਿ ਰਾ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਆ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਕਿਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਵੀ ਆਉਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆਏ ਵੇ ਆਉਣੇ ਨਿਕਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਮੁਸੀਬਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ, ਕਾਫੀ ਵਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਆਉਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬਾਈ ਜਾਨ ਆਪ ਇਹ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਆ ਕਰੇ, ਚਲੋ ਆਵਾਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਸਾਂ ਅਗਰ ਉਸ ਸਹੀ ਰਿਸਪੋਂਸ ਲੱਭਾ। ਆਵਾਮ ਮਜ਼ੀਦ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ 5-6 ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀ ਛੁੜਿਆ ਕਰਸਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਹਿ ਸੀਨ ਕਰਾਂ ਪਹਿਲ ਕਰੀ ਕਿ ਨਾ ਉਸੀ ਕਾਲ ਉਸਕੀ ਦੱਸਾਂ ਸਾਰਾ ਮੋਲ ਮਾਸ਼ਰਾ। ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਵਲੀਮੇ ਪਰ ਤੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲ ਕਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੁਲੋਂ ਕਰੇ ਦਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਵਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਏਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੁਰੋ ਫਿਰੋ ਨਾਲ। ਦਸਲ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਆਏ ਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੁੰਮ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਕ ਪਈ ਹੋਣੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਹੈ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣੀ ਹੋਣੀ ਸਹੀ ਕਰੀਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਹੋਣਾ ਮਾੜੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਪਰ ਇਹ ਕਰਿਆ ਵਾਇਸ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਹੀ ਰੋਲੇ ਗੋਲੇ। ਪਰ ਹੈਰ ਮੈਂ ਆਪ ਕੁਝ ਦੂਸਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਤਾਇਆ ਥਾ ਆਈ ਐਮ ਹਮਜ਼ਾਲੀ ਵਲੌਗਸ, ਉਹ ਆਪ ਦੋਸਤ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰ ਲੈ ਫਾਲੋ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ ਮਾੜਾ ਕਜ਼ਨ ਆਇਆ ਵਾ ਇਸ ਕੀ ਹੁਣ ਠੜਕ ਪਈ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਬਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਰੂੰ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲੇ ਤੋ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਤੋ ਡੂਬੇ ਸਨਮ ਤੁਮਕੋ ਵੀ ਲੈ ਡੂਬੇਂਗੇ, ਦਰਅਸਲ ਕਾਫੀ ਆਵਾਮ ਆਣੀ ਕਿ ਹਮ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਲੇ ਔਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜੋਂ ਕਮਾ ਲੇਂਗੇ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਸ਼ਾਰਟ ਜੀ ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਘਰ ਲਈਏ ਸਮਝਣੇ ਕਿ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਆ ਲੱਭਸੀ, ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਸਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰੀ ਫੁਰੀ ਜਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ 26-25 ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁਸਾਂ ਟਾਈਮ ਆ ਲੈਣਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਕਈ ਅੱਧੇ ਛੋੜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਇਤਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਛੋੜ ਹੀ ਨਾ ਸਕਾਂ। ਨਾਲ ਦੂਈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਕੀੜਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੀ ਐਡਾ ਤੱਖੀ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਥਿਆਸ ਆ ਬਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈ ਸਾਂ ਔਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਫਿਰ ਇਧਰਾ ਅਤੇ ਸੁਣ ਸੋ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਕੀ ਪੈਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਟੀਲੂ ਅਤੇ ਇਸ ਲੂੰਬੜੀ ਕੀ ਵੇ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੀ ਪੇਸੂ ਵੇ ਵੇ ਉਹ ਫੱਟ ਨਾ ਇਸਕੀ ਪਈ ਕਿਸ ਨੇ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਧਰਾ ਆਹੀ ਵਾਰੀ ਸਪਰੇ ਕੀਤੀ ਚੰਗੀ ਜੀ ਇਸਕੀ, ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕੁਝ ਹੋਈ ਗਏ ਸੀ ਨਵਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਵਾ ਲੈ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨਾਲ ਪੈਣੇ ਇੱਥੇ ਅਭੀ ਬੜਾ ਪਜ਼ਲ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਆਣੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਛੱਲਾਂ ਬਾਉਣਾ ਪਿਆ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਠਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਿਸ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਪਰ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾ ਅਤੇ ਸਲਾ ਜੀਏਗਾ ਨਾ ਜੀਏ ਇਸ ਕਿ ਡੱਕਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਐਨ ਵੈ ਵੀ ਆਹ ਮਿਗੀ ਉਖੜਾ ਹੋ ਇਧਰੋ ਹੈਂ ਨੀਚੇ ਛੋੜ ਜੀ ਹੈਂ ਕਿਉਂ ਆਪ ਡਰਤੇ ਹਨ ਉਸ ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਡਰਤੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਯਾ ਮੈਂ ਕਾ ਡਰ ਰਹਾ ਹਾਂ ਆਪ ਕੋ ਛੋੜ ਕੇ ਆਏ ਰਾ ਯਾ ਅੱਛਾ ਆ ਜੀ ਲੈ ਇਹ ਕੀ ਯਾ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜੀ ਆ ਜੀ ਯਾਰ ਅਭੀ 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 ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾ ਰਹਾ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਲੱਭੀ ਗਈ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਣਾ ਛਣਾ ਮਾਰਸਾਂ, ਅਗਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਸਾਂ ਕਿ ਰਾਹ ਚਲੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਲੀਮੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਸਾਂ, ਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 7-1 ਵਜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਗੱਛਣ ਆਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਗਲ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਇਤਨਾ ਹੀ, ਫਿਰਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਟ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਟਾਈਮ ਵਾ ਮਗਰੀ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਟ ਲਾਈ ਛੁੜਿਆ ਵਾਹ, ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਸ਼ਕਰੀਮ ਕੋ ਮੈਂ ਡੱਕ ਲੂੰ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤੇ ਕੋ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਡਾਲ ਲੂੰ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਖਲਾ ਕੀਤਾ ਤੱਕਣਾ ਹੈ ਕਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਪਰਾਂ ਹਾਂ।
तो गल ये ठीक है जी, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट किसी फिटिक टॉपिक। मक्खी चली गई है। ठीक है जी, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट किसी फिटिक टॉपिक या गपशप के साथ। आप मुझे अपनी दुआ में याद रखें, मैं आपको अपनी दुआ में याद रखूंगा। ए अल्लाह हाफिज़। कह दो लाइक लाइक शेयर सब्सक्राइब।